हेलो गाइस, माय नेम इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग फॉलो द ब्लूज। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच चल रहे मैच में अंपायर ने अपनी गलती को स्वीकारा। क्या है पूरी बात, डिटेल में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के बीच खेले गए तीसरे मैच में गलती से नो बॉल देने वाले बांग्लादेशी अंपायर ने अपनी गलती मानी। वोसेन थॉमस की गेंद को क्रीज से बाहर बताकर नो बॉल देने वाले तनवीर अहमद ने कहा कि मुझसे गलती हुई है क्योंकि मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया हूँ। इस मामले के बाद काफ़ी देर तक मैच रुका रहा। जब बांग्लादेश की पारी का चौथा ओवर चल रहा था, अंपायर ने लीटन दास के मिड ऑफ पर खेले गए शॉट को नो बॉल दी। थॉमस गेंदबाज थे और उनका पाव जरा आगे नहीं गया था, पीछे ही था। रिप्ले देखने पर कैरेबियन कप्तान कार्लोस ब्रैथवेट की काफ़ी बहस हुई। मैच रुका रहा, उन्होंने फैसला बदलने की मांग की। मैच रेफरी और अंपायर ने कहा कि अब इसे पलटा नहीं जा सकता। बाद में खेल शुरू हुआ और अगली गेंद फ्री हिट थी जिस पर बल्लेबाज को 6 रन मिले। अंपायर ने कहा कि नो बॉल के मसले में हमेशा पांव और लाइन मेन मुद्दा होते हैं, दोनों काफ़ी पास होते हैं। कई बार गेंदबाज उछल के जाने से साफ दिखना पाना मुश्किल होता है। मैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया हूँ, मैंने गलती की। इस गलती के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम जीत प्राप्त करने में सफल रही। तो ये थी पूरी बात। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल जाए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।